मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फोर्टीन सोर्सेस ऑफ वाटर हाफ स्टडी किया था। आज हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। डैम, ए डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक और ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। डैम क्या होता है? एक वॉल होती है जो कि रिवर के अक्रॉस पार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो पानी को रोकने के लिए ना, पानी का जो बहाव होता है, फ्लो ऑफ रिवर वाटर, नदी के पानी का जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए उसके आर पार दीवारें बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डैम। दिस वाटर इज स्टोर्ड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस पानी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इरीगेट फील्ड्स एंड इवन फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और सिंचाई करने के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी किया जाता है। कैनल, ए कैनल इज अ चैनल ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम रिवर टू इरीगेट द फील्ड्स। ये एक कैनल जो होती है वाटर का एक चैनल होता है जो कि इरीगेट द फील्ड्स, खेतों में सिंचाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिजर्वर, रिजर्वर क्या होता है? ए रिजर्वर इज एन आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक। ये एक आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक होती है, बिल्ड बिहाइंड अ डैम, डैम के बिहाइंड बनाई जाती है टू स्टोर द ब्लॉक्ड वाटर ऑफ द रिवर, जो रिवर का ब्लॉक्ड वाटर होता है उसे स्टोर करने के लिए ना। लेटर दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, और बाद में इसका जो यूज़ होता है बहुत सारी एक्टिविटी के लिए किया जाता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, व्हेन वी हैंग क्लोथ्स इन द सन, जब हम अपने कपड़े सन में हैंग करते हैं, दे ड्राई आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वे सूख जाते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इंटू वाटर वेपर। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो सन की जो हीट होती है वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती है। दिस वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर, और ये वाटर वेपर कहाँ चली जाती है? एयर में चली जाती है। द प्रोसेस बाई विच वाटर चेंजेस इन टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर जो वेपर, वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। कंडीशंस टू मेक इवेपोरेशन फास्टर, कंडीशंस आपको बताते हैं कि इवेपोरेशन को फास्टर कर देती है। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन लेफ्ट इन ओपन, जब इवेपोरेट्स जब फास्टर लेफ्ट ओपन अपन उसे छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को। वाटर एवोपरेट्स फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई, जब एयर ड्राई होती है तब भी वो फास्ट होता है। वाटर एवोपरेट्स फास्टर व्हेन इट इज स्प्रीड ऑन अ लॉन्गर एरिया, जब बड़े एरिया में फैला हुआ होता है तब भी जल्दी एवोपरेट्स होता है। वाटर एवोपरेट्स फास्टर ऑन अ वाइंडी डे, जब ज़्यादा हवा वाला दिन होता है तब भी फास्ट होता है। वाटर एवोपरेट्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर होता है जब भी फास्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है, आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जो क्या करता है अपने अर्थ पे वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है। दे रेगुलेट द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल को चलाता है। व्हेन दिस वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूल क्लाउड्स, जब ये वाटर वेपर कूल क्लाउड्स के कॉन्टेक्ट में आती है, दे चेंजेस बैक इनटू टाइनी ड्रॉप्स, और वो छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल जाती है। इन फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और बारिश के रूप में वो बरसती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले तो जो नदियों में पानी होता है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, और वो वापस वही चेंज होकर किस में बदल जाता है? रेन में। वो होता है कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर ऑन कूलिंग, ये प्रोसेस क्या होती है? वाटर वेपर का वापस वाटर में चेंज होना, वाटर का वाटर वेपर में चेंज करना होना तो इवेपोरेशन, और वाटर वेपर का वापस वाटर में चेंज होना ये होता है कंडेंसेशन। दिस इज द रीज़न वाई ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस क्यूब, जब देखा होगा ना आइस क्यूब पे जो बाहर की साइड क्या हो जाती है, बूंदे बूंदे जम जाती है, वो उस टाइप से। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।